साथ निभाना साथिया की गोपी बहू उर्फ देवोलीना भट्टाचार्य जी ने 14 दिसंबर को बॉयफ्रेंड शाहनवाज शेख से शादी कर ली। सात फेरे लेने के बाद उन्होंने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर कर फैंस के साथ गुड न्यूज शेयर की और सभी को शॉक्ड कर दिया। वहीं देवोलीना की शादी की तस्वीरों के सामने आते ही उनके पति शाहनवाज शेख टॉक ऑफ द टाउन बन गए हैं। जहां एक तरफ फैंस और सेलेब्स देवोलीना को उनकी नई जिंदगी की शुरुआत करने के लिए बधाइयां दे रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग एक्ट्रेस को मुस्लिम लड़के से शादी करने के लिए उन्हें ट्रॉल भी कर रहे हैं। इसके साथ ही वो देवोलीना की पसंद को खराब और घटिया भी बता रहे हैं। यही नहीं, ट्रॉलर्स तो अब उनके बच्चे के बारे में भी बात करने लगे। हाल ही में देवोलीना भट्टाचार्य जी से ट्विटर यूजर ने पूछा कि उनके बच्चे हिंदू होंगे या मुस्लिम, जिसका मुंह तोड़ जवाब देकर देवोलीना ने ट्रॉलर का मुंह बंद किया ही। साथ ही एक्ट्रेस ने अपने पति के लिए भी स्टैंड लिया है। दरअसल एक ट्विटर यूजर ने ट्वीट करते हुए देवोलीना से पूछा कि क्या वो अपने बच्चों को हिंदू या मुस्लिम के रूप में पालेंगी, जिसका जवाब देते हुए देवोलीना ने लिखा, मेरे बच्चे हिंदू होंगे या मुस्लिम, आप कौन? और इतनी आपको बच्चों को लेकर चिंता हो रही है तो बहुत सारे अनाथ आश्रम हैं, जाइए अपनाइए और अपने हिसाब से धर्म या नाम तय कीजिए। मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरा धर्म, मेरे नियम, आप कौन? इतना ही नहीं, इसके आगे भी देवोलीना ने एक और ट्वीट किया जिसमें वो अपने पति के लिए भी स्टैंड लेती हुई नजर आई। इस ट्वीट में उन्होंने लिखा, मेरे और मेरे पति पर छोड़ दीजिए, हम देख लेंगे, और दूसरे के धर्म पे गूगल सर्च करने की बजाय अपने धर्म पर फोकस कीजिए और अच्छे इंसान बनिए। इतना तो मुझे यकीन है आप जैसों से ज्ञान लेने की मुझे कोई जरूरत नहीं है। वहीं इससे पहले जब देवोलीना ने अपनी शादी की तस्वीरें शेयर की थी, तब भी लोगों ने उनकी जमकर ट्रॉलिंग की थी। देखा जाए तो जब से लोगों को देवोलीना की शादी की खबर मिली है, तब से ही लोग उन्हें निशाने पर लिए हुए हैं और आए दिन उन्हें किसी न किसी वजह से ट्रॉल कर रहे हैं। बता दें कि देवोलीना को शाहनवाज शेख से अपने एक्सीडेंट के बाद प्यार हुआ था। देवोलीना के घर के पास ही एक जिम है, वहीं पर देवोलीना की मुलाकात जिम ट्रेनर शाहनवाज से हुई थी। दरअसल अपने शो साथ निभाना साथिया के सेट पर देवोलीना का एक्सीडेंट हो गया था। इसके बाद फिजियोथेरेपी के साथ ही कई तरह से शाहनवाज ने देवोलीना की मदद की। यही वो समय था जब दोनों एक दूसरे के नजदीक आने लगे। देवोलीना को शाहनवाज के साथ अच्छा लगने लगा था। देवोलीना एक्सरसाइज सेशंस के दौरान कब शाहनवाज को दिल दे बैठी उन्हें भी पता नहीं चला, और अब उन्होंने शादी करके इस प्यार को नया नाम दे दिया। देवोलीना ने अपने रिसेप्शन पार्टी की भी कुछ झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं। इस दौरान देवोलीना मीनाकारी डिजाइन वाली पारंपरिक सफेद साड़ी पहने दिखी, जिसके साथ उन्होंने सोने की ढेर सारी ज्वेलरी पहनी थी। उनकी रिसेप्शन पार्टी की तस्वीरें और वीडियोस भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, E24।